लोग भी काफी बड़ी तादाद में बसते हैं। हम रउआ लोग इनके भी कहते नहीं, बच के रहिए भाजपा के लोग से। इन लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देता है। अरे महाराष्ट्र में तो कम से कम विधायकों को लेंगे, बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर दिया। बड़ा सुनते हैं मोदी, बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं मोदी जी की गारंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारंटी है। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले पांच से दो गारंटी देना देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देके दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटे कि नहीं पलटे। क्या हुआ 15-15 लाख का, तब ये गोदी मीडिया और भाजपा के कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक पी करके हम लोगों को गाली देने का काम करते हैं। और पटना की जो रैली हुई, 10 लाख से भी ज्यादा लोग आए पटना में, जन विश्वास रैली हम लोगों ने किया। और आज का जो जन सैलाब देकर के फिर से मीडिया के लोग और भाजपा के लोग एनर्जी ड्रिंक पीना पड़ेगा। अरे डरने वाले लोग नहीं है यहाँ, हम लोग लड़ने वाले हैं, अपने लिए नहीं आपके लिए लड़ने आए हैं, आपकी लड़ाई लड़नी है। इसलिए हम ये पैगाम लेकर के आए लालू जी का। डॉक्टर के सलाह पे ज्यादा घूमने से मना किया गया है, लेकिन लालू जी अभी भी तैयार हैं मोदी जी का दवाई करने के लिए। उनको कितना भी सताया जाए, डराया जाए, उनका बाल पक गया इनसे लड़ते लड़ते, लेकिन वो डरे नहीं, झुके नहीं। आज महाराष्ट्र में, खास तौर पे बंबई में, राहुल जी ने निमंत्रण दिया और हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ बिहार के लोग भी काफी बड़ी तादाद में बसते हैं। हम रउआ लोग इनके भी कहते नहीं, बच के रहिए भाजपा के लोग से। इन लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देता है, इतना झूठ बोलते हैं। हम तो पहले भी कई बार कहे, मोदी जी प्रधानमंत्री है ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो झूठ बोलने के फैक्ट्री भी है। मोदी जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर भी है, होलसेलर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है, ये उनका काम है। हम लोग सच्चे लोग हैं और सच्चे लोगों को कितना भी डराओगे, डरते नहीं। सांच को आज क्या, इसलिए हम लोग लड़ेंगे। इनके गीदर भपकी से हम लोग डरने वाले हैं। आप बताओ, आप लोग डरोगे, लड़ाई लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? साथ दीजिएगा ना सबका। हम तो कहना चाहते हैं राहुल गांधी जी जो यात्रा किए, ये हो सकता है पहला चरण हो, लेकिन यात्रा तो हमेशा हम लोगों को करना पड़ेगा। चाहे सत्ता में आए या ना आए, हमको जनता के बीच उनके सुख का दुख धर का भागीदार बनना पड़ेगा। हमेशा जनता के बीच रहना होगा, क्योंकि इन लोगों ने इतना नफरत फैलाया, इतना नफरत फैलाया है, आपस में इतना भेदभाव करा दिया है कि आज सोचना पड़ेगा कि इस भेदभाव और नफरत को मिटाने में कितने साल लगेंगे। इसके लिए हमको हमेशा सब लोगों के बीच, जनता के बीच रहना होगा। और जो प्यार का, और जो आप कहते हैं जो दुकान खोला है मोहब्बत की दुकान, इसको बंद मत कीजिएगा कभी। हमेशा आगे झंडा बुलंद करने का काम कीजिएगा। आज यहाँ शरद पवार जी भी हैं, उद्धव जी भी हैं। आपको पता है ऑपरेशन लोटस हो रहा था, यहाँ विधायकों को खरीदा जा रहा था, डराया जा रहा था। या एक बात बता देते हैं, आज महाराष्ट्र सरकार में जितने लोग बैठे हैं कोई लीडर नहीं है, सब डीलर है। शरद जी के नाम पे, एनसीपी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। राहुल गांधी जी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। शिवसेना उद्धव जी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे।
ये लोग केवल डीलिंग करते हैं, इसलिए वहां कोई भी लीडर नहीं, सब डीलर बैठा हुआ है। और जो डरे डरे लोग गए गए, अच्छा हुआ चले गए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको कितना भी मिटाने का कोशिश करोगे, फिर से हम कारवा बनाने का हौसला रखते हैं। इसलिए हम सब लोग यही आए, क्योंकि जनता आप सब लोग हमारे मालिक हैं और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहना चाहिए। अरे महाराष्ट्र में तो कम से कम विधायकों को ले गए, बिहार में तो हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया। बड़ा सुनते हैं मोदी जी, बार बार कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी जो है सबसे मजबूत वाली गारंटी है। हम मोदी जी को चैलेंज करते रहे, मोदी जी सबसे पहले बाद में जो गारंटी देना देना, लेकिन अगर मेरा चाचा का गारंटी देके दिखा दो पहले कि वो फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। तो हम लोग चलो बिहार में चाचा जी गए तो गए, हमारी शुभकामनाएं, बड़े हैं, अभिभावक हैं, लेकिन वहां जो आवाम का ताकत मिल रहा है, राहुल जी आए थे, सब लोग आए थे, जो प्यार मिल रहा है, वो हम इतना आप लोगों को कह सकते हैं कि बिहार में भाजपा जो भी सोचती हो, सर्वे वाले कुछ भी दिखाते हो, गोदी मीडिया के लोग, लेकिन बिहार में इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट हम ला करके देने का काम करेंगे। और आप लोगों को भी कहेंगे कि एकजुट हो जाइए, एकजुट होकर के लड़ाई लड़िए। ये मोदी जी क्या बोलते हैं, 2 करोड़, हम मोदी जी को चैलेंज करके बोलते हैं, 17 महीने केवल डिप्टी सीएम हम बिहार के रहे हैं, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। मोदी जी अपने 10 साल में भी 5 लाख क्या कितना नौकरी दिए ये बता नहीं सकते। चैलेंज देते हैं, कितना सरकारी नौकरी दिया, सबसे ज्यादा बहाली रेलवे का आता था, सब चीज प्राइवेटाइज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आर्मी में आता था उसको जो है क्या किया आप सब लोग जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे सारा चीज कर दिया गया। तो इसलिए आप सब लोगों का प्यार मिलता रहे, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। सभी गणमान्य व्यक्तियों को, हमारे अभिभावक नेताओं को आप लोगों को संदेश देना है, वो अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखेंगे, लेकिन आप सब लोग एक नारा लगाइएगा, हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप सब बोलना देश बचाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ।